हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज के दिन में बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम प्ले लाई हूँ आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में आपको टोटली क्लचेस देखने मिलेंगे और साथ में मैं कुछ ऐसी बोनस टिप्स भी दूंगा जो कि आपको सर्वाइव करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे मैं सी बिल्डिंग में उतरा, मेरे को यहाँ पे मिली शॉर्टकट, घर के अंदर से आ रहा था मुझे साउंड और मैं घर के अंदर घुसा, ऊपर की तरफ से साउंड आया और बंदा मुझे दिखता है शॉटगन के साथ। उसने मिस किया शॉट, मैंने भी मिस किया और आखिरी ये शॉट लग गया। सही बताऊँ तो उसका शॉट मेरे को कनेक्ट होने में था, जस्ट मिली सेकेंड का डिफरेंस था। तो यहाँ पे मुझे साउंड आने लगा बंदे का, मैं जैसे ही नीचे जाता हूँ बट ये बंदा नहीं, बोट होता है। इसे किल करने के बाद बाहर की तरफ एक बोट और एक रियल बंदा होता है जो कि बोट को मार चुका होता है। और जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ उसको डैमेज देता हूँ मैं और मैं कवर में चला जाता हूँ। और ये जो बंदा है ना, इस पे कोर से नजर लाना। और ये बंदे ने मुझे बहुत कंफ्यूज किया, इस बंदे ने मतलब आप ऐसा समझ लो बंदा एक तरीके से इनविजिबल हो गया एक टाइम पे। अब क्या सीन हुआ था वो आगे देखो। पहले तो मैं यहाँ पे अपना माइंड लगा करके मैं कवर के पीछे जा कर के और साइड में गया ताकि वो बंदा मुझे फायर करे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं वापस से गया, उसने फायर नहीं किया। मैं अगेन गया, उसने फायर नहीं किया। मैं दूसरी तीसरी बार गया हूँ तो भी फायर नहीं किया। अब मेरे को लगा रश कर देना चाहिए, तो अब मैं काफ़ी अलर्ट से रश कर रहा था और मुझे लगा कि बंदा इधर ही होगा बट वो बंदा उधर नहीं होता है। मैंने यहाँ पे काफ़ी फाइंड किया उसको बट मुझे यहाँ पे नहीं मिला। मीन आप इस सीन को बार बार देखना और आप मुझे कमेंट में बताना आपको क्या लगता है कि वो बंदा कहाँ जा सकता है। खैर यहाँ पे साइट में फ्लेयर चली थी और फिर मैं फ्लेयर के पास जाता हूँ। तभी मुझे यहाँ पे बंदे का साउंड आता है बट ये बंदा नहीं, बोट होता है। यहाँ पे मैं वेट करता हूँ बंदे के आने का, लेकिन मुझे यहाँ पे बंदा नहीं दिखता। तभी पीछे की तरफ से मुझे साउंड आता है एक बंदे का, तो ये वही बंदा था जो कि कैम्प कर रहा था इतनी देर से, जिसको मैं ढूंढ रहा था और जो कि मुझे नहीं मिला। तो अब क्या होता है आगे देखो। तो यहाँ पर मतलब उस बोट के चक्कर में मैं मरते मरते बचाऊँ। फाइनली यहाँ पे एक और बोट होता है, इसको भी मैं इजीली किल कर देता हूँ। और तभी मुझे एक और बोट की गन्स की साउंड आती है, मैं उस पर एम करता हूँ और उसे भी फिनिश कर देता हूँ। तो यार आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि जिस बोट को मैंने मारा वो कहाँ पर देख रहा था, कहाँ पर वो शॉट मार रहा था? इसका आंसर मैं आपको अभी कुछ ही मिनट में देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं गाड़ी लेने जाता हूँ, उतने में मेरे को यहाँ पे एक बंदा दिख जाता है। और यहाँ पे एक बात नोटिस करो, ये बोट जो है कहाँ पर मार रहा है आप मतलब देख सकते हो, इस बोट की गन कहाँ पर जा रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी टिप है यार, आप इसे भी बहुत ही अच्छे से जान लो कि अगर कोई बोट एक एंगल पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे शॉट ले रहा है तो वहाँ पे समझ जाओ वहाँ पे एक बंदा है, वहाँ पे एक बंदा कैम कर रहा है। हो सकता है वो आपकी वजह से उसे नहीं मार रहा, उसे किल नहीं कर रहा होगा बट बोट जो होगा वो उस पर ज़रूर फायर करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी टिप है यार, इसको हमेशा ध्यान में रखो। तो ये मैं बाइक लेके जाता हूँ उधर और फिर देखो ये बोट, मतलब कितने सारे बोट आ रहे हैं यार। आपने नोटिस किया होगा सीजन की स्टार्टिंग में कितने बोट आते हैं यार। तो यहाँ पे फ्लेयर चली थी और ये फ्लेयर जो थी नोवो पर थी, तो मैं नोवो पे जाता हूँ और मैं जैसे जाता हूँ उसका ड्रॉप आ चुका होता है और मुझे लगता है वो बंदा ड्रॉप लूटने में बिजी होगा
तब तक मैं उसे जाके किल कर दूंगा, और वही होता है। तो जैसे ही वो लूट करके जा रहा था, मैंने उसे किल कर दिया। और ये बंदा अलग ही नशे में था, ओपन में लेट गया। बट कोई नहीं, इस बंदे से मुझे एक और AWM मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। तो उसे किल करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रिज पर आ जाता हूँ, और मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा रिलेटेड टू दिस ब्रिज। सो इस ब्रिज से आप कभी भी जाते हो, मैटर करता है आप कौन सा मोड खेल रहे हो। आप सोलो खेल रहे हो, डुओ खेल रहे हो, स्क्वाड खेल रहे हो। सोलो में मतलब जो ब्रिज के परसेंटेज होते हैं ब्लॉक होने के, वो 20% होते हैं। तो सोलो में आप बिना किसी चिंता के ब्रिज से निकल सकते हो, उसमें आपको कोई इशू नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप खेल रहे हो स्क्वाड, तो उसमें आपको एक जगह रुक करके स्कोपिंग कर लेनी चाहिए। आई रिकमेंड इट टू यू, आप ऐसा करिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और टिप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस गेम को खेलो, यहाँ पे इस जगह पर आओ और यहाँ पे ये वाला गेम खेलो, जिससे कि आपकी एम की प्रैक्टिस होगी। और ये बहुत अच्छी टिप है गाइस, बहुत अच्छा मेथड है आपकी एम को अच्छा बनाने का। तो यहाँ पे इतना अच्छा खेलने के बाद भी Level 2 हेलमेट ही मिला, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं बंदे को काफ़ी सर्च करता हूँ, बंदा मुझे नहीं मिलता, तो थोड़ा सा मैं घूमता हूँ और यहाँ पे मुझे फाइनली एक ड्रॉप दिखाई देता है। मैं ड्रॉप के पास जाता हूँ और ये देखो, फिर यहाँ पे मेरे को गन्स के साउंड आ रहे थे, मैं वहाँ पर गाड़ी जाकर रोक देता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, जिसको मैं काफ़ी डैमेज देता हूँ। एक बार कमेंट में बताना कि ये बंदा कितनी HP का होगा। तो यहाँ पे ही जो बंदा था, मुझे रैंक पुशर लग रहा था, ऊपर जाकर के ये लेट चुका था और ये फाइट करने के लिए नीचे नहीं आ रहा था। तो मैं समझ चुका था, अगर ये फेस टू फेस फाइट नहीं कर रहा है, तो इसका रीज़न है ये रैंक पुश कर रहा है, ये फाइट नहीं लेना चाहता। तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ, किसी तरह उसके नीचे आने का वेट करता हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ नेट भी करता हूँ, ताकि उसको कुछ डैमेज हो या वो किल हो जाए अगर लक हो तो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा नेट करने की कोशिश करता हूँ, बट नेट का ग्लिच, आपके साथ भी होता होगा ये। खैर यहाँ पे मैं एक नेट करता हूँ और ये आई थिंक थोड़ा सा मिस हो जाता है। थोड़ा सा मिस होने की वजह से वो बंदा किल नहीं हो पाता। एक और नेट करता हूँ मैं, एंड ये भी एग्जैक्ट फटा था, बट डैमेज उसको आई थिंक हुआ होगा। तो वो बंदा रश कर ही नहीं रहा था, तो मैंने काफ़ी वेट किया, देन मैंने रश करने का सोचा। तो यहाँ पर वो बंदा TP भी ले रहा था, तो मैं यहाँ पर नेट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये नेट थोड़ा सा बच जाता है, तो अब मैं डायरेक्ट जंप करके रश करता हूँ और फिर देखो क्या होता है। भाई साहब किल, एक भी गोली नहीं मारी, और ये होता है कैंप करने का नतीजा। खैर यहाँ पे इसे मारने के बाद मैं जोन के अंदर आ जाता हूँ, और अब जो सीन होने वाला है ना, उसको देख के वीडियो पे लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पे मैं इस जगह पर इसको होल्ड करने के लिए आता हूँ, मेरे को यहाँ पे बंदा स्पॉट होता है। AWM से मैं स्कोपिंग करके लगा के उसके देखता हूँ, बट वो बंदा घर के पीछे जा चुका होता है। उतने में एक बाइक वहाँ पे उड़ती होती है, जिसको मैं छोड़ देने की कोशिश करता हूँ, और वो बंदा उतर के भाई साहब जिगजैग करने लगता है, जो कि मेरा शॉट उसे रेंडर नहीं होता। यहाँ पे मैं हेडशॉट मारने की ट्राई करता हूँ, उतने में मेरे को राइट साइड से MK का शॉट पड़ता है। तो यहाँ पे दो दो बंदे मेरे ऊपर एम करके बैठे हुए थे, और तभी इसमें से एक बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है। फिर आगे देखो क्या होता है। तो वो बंदा वापस कवर पे चला जाता है, और
मेरे को पता लग जाता है वो बंदा नेट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं अलग साइड से जा कर के उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ, और मैं घर के ऊपर जाता हूँ, वो मेरे को देख लेता है तो वो मेरे ऊपर नेट करता है, और मैं भी जल्दी में यहाँ पे मोल ही कर देता हूँ और अपने ऊपर ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो बहुत ही गंदा सीन हुआ था मेरे साथ, मरते मरते बचा। खैर ये मोली का सीन देख करके वो बंदा ने मेरे ऊपर रश कर दिया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था बिकॉज़ मेरी हेल्थ कम हो गई थी। तो यहाँ पे मैं फ्लाइंग मारता हूँ एक छोटा सा, और अब यहाँ पे जो स्कैम होता है मेरे साथ उसको ज़रूर देखना। तो यहाँ पर मुझे एक बाइक की आवाज़ सुनाई देती है और मुझे लगता है वो बंदा भाग चुका होता है। मैं वहाँ पे जाके स्कोप लगा के देखता हूँ तो वो बंदा गिली सूट वाला यानी कोई और बंदा होता है, और ये जो बंदा होता है वो इधर ही छुपा होता है। और जैसा कि आपने देखा, मैंने इस बंदे को स्टार्टिंग में ओनली एक गोली मारी थी, और इसने मुझे कुछ ही एमओ में मेरी एचपी इसने पूरी कम कर दी, और मैंने इस बंदे के ऊपर बहुत अच्छा एंगल लेकर के इसे किल कर दिया। देन मैं यहाँ पे जोन में आता हूँ और यहाँ पे मुझे एक बाइक दिखती है और जिसके पीछे मैं जाता हूँ, और उसी वक्त यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि गोजर चला रहा होता है, और मैं इसे किल कर देता हूँ। और ये जो बंदा होता है ना, ये बाइक वाले को किल कर देता है। तो यहाँ पे एक गाड़ी आती है जिसको मैं AWM से बॉडी शॉट कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। बॉडी ही होता है यार, हेड कभी होता नहीं है मेरा। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, मेरा मिस हो जाता है, बट इस टाइम ये देखो गाइस, ये मेरा बॉडी शॉट था रनिंग गाड़ी में। तो यहाँ पे जो बंदा था घर के अंदर जा चुका था, और मैं उसके पास रश करने के लिए जाता हूँ, और मेरी बगी का देखो क्या हाल हो जाता है। मतलब ये टिप भी आप सुन लो अच्छे से, आपकी कोई गाड़ी या कोई बगी एक पर्टिकुलर प्लेस पे अटक जाए तो वहाँ से भाग लो, क्योंकि वो ब्लास्ट हो सकती है कभी भी। तो अभी देख लो जैसे कि मेरी बगी का साउंड आया ब्लास्ट होने का, वो ब्लास्ट हो गई मेरी बगी। और अभी ये जो बंदा था ना सामने वाला, ये बॉट बॉट की तरह रिएक्ट कर रहा था, और इतना ओपन में मैं रश नहीं करना चाहता था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैम्प कर रहा था, मैं ये एंगल देखना चाहता था कि वो बंदा कब उस घर से बाहर आता है, जोन की क्या सिचुएशन रहती है। तो जब तक ये डिसाइड ना हो ना, एक जगह पर आप चुपचाप कैम्प करो, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं काफ़ी कैम्प करने के बाद मुझे पीछे की तरफ से एक जिप का साउंड आता है, और भाई साहब इसे बहुत अच्छा स्प्रे दे करके मैं फिनिश कर देता हूँ। और इसके पास भी होती है AWM, तो AWM लेने के बाद मैं यहाँ पर स्क्वाड हाउस में कैम्प करता हूँ। और यहाँ पे दो बंदे बचे थे जिनमें से एक बंदा उस हाउस पे होता है और एक बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है ओपन में लेटा हुआ, उसे मैं हेड ट्राई करता हूँ बट बॉडी लगता है। बट डोंट वरी, मैं यहाँ पे उसे सिंगल शॉट से फिनिश कर देता हूँ। अब आखिरी में एक सोलो बंदा बचता है और ये मैच 1v1 होता है। यहाँ पे मैं वेट करता हूँ उस बंदे के घर से बाहर निकलने का, बट वो बंदा घर से बाहर नहीं निकलता है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसे देखता हूँ स्कोपिंग करके, वो नहीं निकलता है। उतने में जोन आ जाता है, मैं यहाँ पे गाड़ी लेकर के जोन में जाता हूँ, और मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ जिसकी वजह से मेरी हेल्थ काफ़ी लो हो जाती है। तो यहाँ पर मैं उस बंदे को काफ़ी फाइंड करता हूँ, मुझे बंदा स्पॉट ही नहीं होता। यहाँ पर अब मुझे पता लग जाता है कि ऊपर कोई बंदा नहीं है, तो मैं नीचे की तरफ जाता हूँ और वहाँ पे पेड़ की तरफ मेरे को बंदा हल्का सा स्पॉट हो जाता है। और फिर मुझे फाइनली पता चल जाता है कि बंदा उस पेड़ के पीछे, और वो जैसे ही पिक करता है पट्टा सा हेडशॉट पड़ता है उसे, और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा विनर विनर चिकन डिनर हो जाता है। तो अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं आगे भी बहुत सारे गेम प्लेज लाने वाला हूँ।
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।